हाय गाइस, सो अभी तक हमने क्या किया है, हमने लीनियर रिग्रेशन सीखा है, ओके और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन, ओके। सो यू ऑलरेडी नो कि अगर तुमको 2D डेटा के ऊपर, एज इन देन यू हैव वन इनपुट कॉलम वन आउटपुट कॉलम, इसके ऊपर अगर तुमको कभी भी लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना है तो इट्स बेसिकली फाइंडिंग आउट दिस लाइन, राइट, द बेस्ट फिट लाइन, जिसका इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ओके हमें ये निकालना होता है और इसमें भी हम लोग को स्पेसिफिकली m और ये c कैलकुलेट करना होता है। सो मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, y इज इक्वल टू बी नॉट या बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, ओके। सो यहाँ पे बीटा वन एक्स, बीटा वन इज द स्लोप एंड बीटा नॉट इज द इंटरसेप्ट वैल्यू, ओके। अब व्हाट इफ मेरे पास 2D से ज्यादा डेटा है, लेट्स से 3D है या 4D है या हायर डायमेंशन में है, तो वहां पर भी प्रिंसिपल एग्जैक्टली सेम है। अगर आप 2D में लाइन निकाल रहे हो तो आप 3D में प्लेन निकालोगे, 4D में हाइपर प्लेन निकालोगे, ओके। और उसका इक्वेशन यू ऑलरेडी नो इज दिस। सो अगर एक एन डायमेंशनल प्लेन के लिए आपको लीनियर इक्वेशन करना है तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मुला, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन, दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन, बीटा टू एक्स टू, एक्स टू इज द सेकंड डायमेंशन, बीटा थ्री एक्स थ्री, एक्स थ्री इज द थर्ड डायमेंशन, और ये बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा थ्री, ये सारे हमारे वेट के वैल्यूज हैं, राइट, ये हमारे सारे कोफिशिएंट्स हैं, ओके। एंड इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, व्हेन वी हैव मोर देन वन इनपुट कॉलम्स, ओके। सो ये तो हमने पहले से कर रखा है, इसके ऊपर हमने कोर्स भी कर लिए। अब लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, लीनियर रिग्रेशन इज ऑल अबाउट लीनियर डेटा, मतलब जब आपका रिलेशनशिप इज काइंड ऑफ लीनियर, ओके। नाउ इमेजिन कि आपके पास एक ऐसा डेटा है जो एसेंशियली खुद में ही नॉन लीनियर है। सो यहां पर अगर लाइंस ड्रॉ करने का ट्राई करो, कैसा भी लाइन आप ड्रॉ करने का ट्राई करो, दीज लाइंस विल नॉट परफॉर्म दैट वेल बिकॉज एक्चुअल नेचर ही नहीं है डेटा का कि वो लीनियर है, राइट। तो यहां पर लीनियर रिग्रेशन फेल करता है, फेल करने का मतलब है रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते, क्लोज टू रियलिटी नहीं आते, और यहीं पर आपको हेल्प करता है पॉलीनोमियल रिग्रेशन। सो पॉलीनोमियल रिग्रेशन इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन, जहां पे आप एट द एंड लीनियर रिग्रेशन ही अप्लाई कर रहे हो, सेम प्रिंसिपल से अप्लाई कर रहे हो, आप यही कोफिशिएंट्स निकाल रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, आप डेटा में पॉलीनोमियल टर्म्स ऐड कर दे रहे हो। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, लेट्स से आपके पास एक डेटा है एक्स और वाई का, बेसिकली एक इनपुट कॉलम एक आउटपुट कॉलम, सो दिस वुड बी द डेटा, राइट। सो नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन में आप क्या करोगे, ये एक्स और ये वाई को आप ट्रेनिंग डेटा के एज ट्रेनिंग डेटा भेज दोगे एल्गोरिथम में, बट आप यहां पे क्या करते हो पॉलीनोमियल रिग्रेशन में, आप इसका पॉलीनोमियल फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हो, ओके, इन द प्री प्रोसेसिंग स्टेज। उसका मतलब ये है कि आप x से ये कैलकुलेट करोगे, लेट्स से आपको डिग्री 2 का पॉलीनोमियल बनाना है, लेट्स से आपको डिग्री इज इक्वल टू 2 का पॉलीनोमियल बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप इसको एक्स जीरो एक्स वन और एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे। सो आप x का हर वैल्यू लोगे, उसे तीन चीजें कैलकुलेट करोगे, x की पावर 0, लेट्स से पहला रो में ये था 35 और y में था 100, लेट्स से, ओके, दिस इज एन एग्जांपल। तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे ये x की पावर 0, सो ये आ जाएगा 1, फिर आप ये कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा 35, फिर आप ये कैलकुलेट करोगे और ये आ जाएगा 35 का स्क्वायर, लेट्स से मेरे को पता नहीं है पर लेट्स मैंने लिख दिया 1225, ओके, और फिर मैं यहां पर y डाल दूंगा, सो ये जो शेप था अपना 1/2 का, अब ये शेप बन गया 1/4 का, ठीक है। सो आपने आपका आपके पास अगर डिग्री इक्वल टू 2 था तो आपने ये कैलकुलेट किया फॉर एवरी रो, ओके। और अब आप क्या करते हो, ये नया जो आपका डेटा है इसको आप ट्रेनिंग के लिए भेजते हो और आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हो, और ये जो एक्स्ट्रा पॉलीनोमियल फीचर्स है ना, ये वाले, दीज फीचर्स एक्चुअली ट्राई टू यू नो एक्सट्रैक्ट दिस रिलेशनशिप, दिस नॉन लीनियर रिलेशनशिप, ओके। सो इसका फॉर्मूला कैसा हो जाता है फिर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, अगेन दिस इज फॉर 2D, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस बीटा टू एक्स स्क्वायर, this will be the this is linear simple linear regression, this is simple polynomial regression, okay। ab ek do cheeze aur discuss karte hain, jaise ki what if my degree 3 kar do, what if degree is 3, in that case what you will do is you will find out one more term x cube and then y, theek hai। similarly agar aapne 4 kar diya to you will find out one more term x to the power 4, okay। ab yahan par ek cheez bahut important hai, ये जो डिग्री का वैल्यू सेट करना है ये कैसे पता चलेगा कि कितना सेट करना है, क्योंकि ये हमें सेट करना पड़ता है, बिकॉज दिस थिंग इज अ हाइपर पैरामीटर, दिस थिंग इज अ हाइपर पैरामीटर, सो ये मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम है कि वो सही वैल्यू प्रिडिक्ट करे, ओके। अब द प्रॉब्लम विद दिस वैल्यू इज कि अगर आप इसको बहुत कम रखो तो हो सकता है ये ग्राफ
अंडरफिट कर जाए, मतलब सारी प्रॉपर्टीज सारे एट्रीब्यूट्स फेच ना कर पाए, ओके, या ट्रू रिलेशनशिप नहीं निकाल पाए। बट अगर आप बहुत ज्यादा कर दो, लाइक आपने 15 कर दिया, तो फिर ये कुछ ऐसा दिखने लगता है, इट ट्राइज टू टच एवरी पॉइंट और फिर ओवरफिटिंग हो जाता है। सो इसका मतलब फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ डिग्री दिस एंटायर मेथड टेंड्स टू अंडरफिट, एंड फॉर हायर वैल्यूज ऑफ डिग्री दिस मॉडल ट्राइज टू ओवरफिट। सो आपको बीच में कोई ऑप्टिमम वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है? आई गेस ये वाला पॉइंट क्लियर है। नाउ व्हाट इफ आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, x1, x2 और y, लेट्स से आपके पास दो कॉलम्स हैं, इन दैट केस आपका इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा? आप टर्म्स ऐड कर दोगे फॉर एवरीवन, सो यू विल राइट बीटा 3 x2 प्लस बीटा 4 x2 होल स्क्वायर, आपका ऐसे चेंज हो जाएगा। सो फॉर एवरी एडिशनल कॉलम यू विल डू इट अगेन एंड अगेन, ओके, एंड दैट इज हाउ यू डू इट गाइस, दिस इज व्हाट पॉलीनोमियल रिग्रेशन इज। नाउ पीपल समटाइम्स आस्क दिस क्वेश्चन इन इंटरव्यूज कि ऑल्दो यहां पर एक्स के साथ वी हैव अ हायर डिग्री रिलेशनशिप वाई और एक्स का, वाई डू वी कॉल इट अ लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि बोला जाता है पॉलीनोमियल रिग्रेशन एसेंशियली लीनियर रिग्रेशन। सो द रीजन फॉर दैट इज कि हम लोग एक्चुअली जब लीनियर रिग्रेशन का बात कर रहे हैं तो हम वाई और इन कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप सोच रहे हैं, क्योंकि हम एट द एंड x1 x2 ये सब तो हमारे पास पहले से होता है, हम ये निकाल रहे होते हैं, ये कोफिशिएंट्स निकाल रहे होते हैं, और इन कोफिशिएंट्स का डिग्री अगर आप देखो इट्स स्टिल 1, तो y और इन कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप इज स्टिल लीनियर, ओके, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस रिलेशनशिप और दिस रिग्रेशन टू बी लीनियर रिग्रेशन। सो इट्स पॉलीनोमियल लीनियर रिग्रेशन, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट एक कोड देखेंगे जहां पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉन लीनियर डेटा जनरेट करेंगे और फिर हम उसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन, नॉर्मल सिंपल लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करेंगे, एंड वी विल सी कि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर पॉलीनोमियल रिग्रेशन अप्लाई करना, पहले छोटी डिग्री से, फिर हम लोग बड़ी डिग्री की तरफ जाएंगे, और फिर आई विल शो यू कि कैसे एक पॉइंट तक यू नो एरर्स ठीक हो रहे हैं और फिर थोड़े टाइम के बाद ओवरफिटिंग होने लग जा रहा है, ओके। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट दैट वी डू ऑन द लैपटॉप। ठीक है, सो अब हम लोग कोडिंग पार्ट में आ गए हैं, और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट उठाया है अबाउट CO2 एमिशन इन मोटर व्हीकल्स, ओके, और हम उस डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे। सो द होल स्ट्रैटेजी इज दिस कि पहले हम उस डेटा सेट के ऊपर लीनियर रिग्रेशन लगाएंगे और फिर हम आउटपुट देखेंगे, हम R2 स्कोर कैलकुलेट करेंगे, हम रूट मीन स्क्वायर एरर निकालेंगे, और फिर हम वो सेम काम करेंगे पॉलीनोमियल रिग्रेशन से, और हम चेक करेंगे कि कोई डिफरेंस आया कि नहीं। एक चीज़ मैं जो बताना भूल गया कि ये जो डेटा सेट है इसके बीच में जो इनके इसके कॉलम्स के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज़ नॉन लीनियर। सो होना क्या चाहिए कि लीनियर रिग्रेशन थोड़ा खराब परफॉर्म करना चाहिए इन कंपैरिजन टू पॉलीनोमियल रिग्रेशन, ओके। सो नाउ लेट मी शो यू, ये फर्स्ट सेल में मैंने सिंपली बस अपने सारे लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट किया, इस सेकेंड सेल में मैंने डेटा सेट को इम्पोर्ट किया है, मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद ये मैंने एक्चुअल इम्पोर्ट मारा है पूरे डेटा सेट को, दिस इज़ द CSV फाइल, और पूरा इम्पोर्ट करने के बाद इवेंचुअली यू कैन सी कि मेरे पास ये डेटा है, इट्स अ 2D डेटा, सिंपल डेटा, डेटा का शेप इज 10672, और डेटा में दो कॉलम्स है, कंबस्शन इन द यूनिट्स ऑफ MPG माइल्स पर गैलन, जितना ज़्यादा उतना अच्छा, ओके, मतलब जितना ज़्यादा MPG होगा CO2 एमिशन उतना कम होगा, ओके, और फिर एमिशन आपका CO2 एमिशन है, आई गेस इट्स इन KG और समथिंग, आई डोंट एग्जैक्टली नो, बट ये हमारे पास डेटा है, ओके। सो नाउ इफ़ यू गो डाउन, मैंने दोनों कॉलम्स के बीच का रिलेशनशिप को प्लॉट किया है यूजिंग अ स्कैटर प्लॉट, यू कैन सी थोड़ा सा नॉन लीनियर टाइप का डेटा है, राइट, रिलेशनशिप थोड़ा नॉन लीनियर है, सो बहुत कम MPG के लिए यू कैन सी CO2 एमिशन बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा MPG के लिए CO2 एमिशन बहुत कम है, सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पूरा का पूरा डेटा। उसके बाद हम मैं वर्क मेन वर्कफ्लो में आ गया, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने अपना एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट कर लिया, ओके, सिंपल हमेशा करते हैं हम लोग। उसके बाद मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा है, मैंने टेस्ट में 20% डेटा रखा है और ट्रेन में 80% डेटा रखा है, ओके, और फिर मैंने पहले लीनियर रिग्रेशन लगाया, ओके, सो मैंने लीनियर रिग्रेशन के क्लास को कॉल करके उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैंने फिट किया एज इन ट्रेन किया अपने मॉडल को यूजिंग एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, ये आप बार बार कर चुके हो सो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना यहाँ पे। उसके बाद हमने वाई प्रेड कैलकुलेट किया यूजिंग द प्रिडिक्ट फंक्शन, ओके, और उसके बाद बस मैंने क्या किया है, R2 स्कोर निकाला है और रूट मीन स्क्वायर एरर निकाला है, सो यू कैन सी इस डेटा सेट के ऊपर मेरा लीनियर रिग्रेशन का R2 स्कोर इज 0.82 और यू कैन से 82%, और जो आपका रूट मीन स्क्वायर एरर है दैट इज 27, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सेम काम को रिपीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ
पॉलीनोमियल रिग्रेशन. ओके, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शो यू कि लीनियर रिग्रेशन दिख कैसा रहा है. सो यू कैन सी दिस इज माय डेटा सेट और ये रहा मेरा लीनियर रिग्रेशन का बेस्ट फिट लाइन. ओके, सो अब हम एक काम करते हैं कि पॉलीनोमियल रिग्रेशन लगाते हैं. ठीक है, अब एज यू ऑलरेडी नो हमने डिस्कस किया था पॉलीनोमियल रिग्रेशन में आप लीनियर रिग्रेशन ही लगाते हो, बट लीनियर रिग्रेशन लगाने के पहले आप क्या करते हो, कुछ नए फीचर्स क्रिएट करते हो. ठीक है, और वो फीचर्स कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि आप कितने डिग्री का पॉलीनोमियल बनाना चाहते हो. जैसे कि यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो कि आप डिग्री 2 का पॉलीनोमियल बनाओ. सो आप अपने एक्स को उठाओगे और उससे तीन फीचर्स क्रिएट करोगे. ओके, सो द फर्स्ट फीचर वुड बी एक्स टू द पावर 0, मतलब सारे के सारे वैल्यूज 1 हो जाएंगी. सेकेंड वुड बी एक्स टू द पावर 1, सो बेसिकली जो एक्स है वही रह जाएगा. एंड द थर्ड वुड बी एक्स टू द पावर 2, मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा. सो आपको क्या करना होता है, यू हैव टू फेच दिस सब लाइब्रेरी प्री प्रोसेसिंग, वहाँ से यू हैव टू फेच दिस क्लास पॉलीनोमियल फीचर्स एंड यू रन दिस और यहाँ पे तुम डिग्रीज इक्वल टू 2 एज हाइपर पैरामीटर पास करते हो. ओके, अब अगेन इसका कितना वैल्यू होना चाहिए हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे. और अब आपको क्या करना है, अब आपको इस ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया पॉलीनोमियल फीचर्स का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन है, उसमें हमने बस अपना एक्स ट्रेन पास कर दिया. ओके, हमने अपना एक्स ट्रेन पास कर दिया. सो अब ये क्या करेगा, एक नया कम्प्लीटली नया इनपुट मैट्रिक्स बनाएगा एक्स पॉली बोल के, और मैंने उसको प्रिंट किया है. यू कैन सी कि अब इसका शेप कितना है, 853.3. ओके, सो नाउ देर आर 3 कॉलम्स इंस्टेड ऑफ 1 कॉलम, देर आर 3 कॉलम्स. ओके, और यू कैन सी फर्स्ट वाला इज ऑलवेज 1 बिकॉज इट्स एक्स टू द पावर 0. ओके, सेकंड वाला इज द सेम एज एक्स बिकॉज एक्स टू द पावर 1 इज एक्स, राइट. एंड द नेक्स्ट वन इज स्क्वायर, सो यू कैन सी 22 का स्क्वायर इज 484, 19 का स्क्वायर इज 361, 27 का स्क्वायर इज 729. आई गेस ये वाला चीज आपको समझ में आ रहा है. ओके, अब आप क्या कर रहे हो, आप नीचे जा रहे हो और अब आप फिर से एक नया क्लास बना रहे हो, फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो लीनियर रिग्रेशन क्लास का. और इस बार आप रादर देन पासिंग योर एक्स ट्रेन, दिस टाइम यू आर पासिंग योर एक्स पोली. ओके, सो आप अपना ट्रांसफॉर्म एक्स पास किया, ठीक है, जिसमें 3 कॉलम्स है इंस्टेड ऑफ 1 कॉलम. और अब आपने क्या किया, अपना वाई ट्रेन में, बाय द वे आप कोई चेंजेस नहीं करते, वाई ट्रेन जैसा पहले था वैसे ही अभी भी रहेगा. और आपने अपना वाई ट्रेन पास कर दिया. ओके, और आपने इस कोड को जैसे ही रन किया, ये ट्रेन हो गया अपना पूरा मॉडल. और अब आपने क्या किया, अपने एक्स टेस्ट को भी ट्रांसफॉर्म किया. सो एक्स टेस्ट अभी भी 1 कॉलम का ही था, आपने उसको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया यूजिंग द सेम ऑब्जेक्ट पोली. ओके, और अब हमारे पास एक नया टेस्ट ऑब्जेक्ट है एक्स टेस्ट पोली. मैंने क्या किया, मैंने नया वाइप्रेट कैलकुलेट किया यूजिंग दिस एक्स टेस्ट पोली. ओके, और इसको यूज करके मैंने क्या किया, मैंने अपना नया R2 स्कोर और अपना रूट मीन स्क्वायर एरर निकाला. एंड यू कैन सी हमारा R2 स्कोर इंक्रीज कर गया, पहले इट वॉज 82%, नाउ इट इज 88%. एंड यू कैन ऑल्सो सी कि आपका ये MSE को इग्नोर करना, इट इज RMSE स्कोर थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है. और आपको पता होगा कि R2 स्कोर जितना ज़्यादा उतना अच्छा और RMSE एरर जितना कम उतना अच्छा. सो पहले ये शायद 27 था, आई कैन सी दैट. सो पहले 27 था, वो घट के 22 हो गया, तो एरर कम आ रहा है और R2 स्कोर बेटर हो रहा है. सो यू कैन टोटली सी कि इस नॉन लीनियर डेटा पे आपने जब पॉलीनोमियल रिग्रेशन लगाया परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. और ये देखो, मैंने फाइनली क्या किया है, मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है जहाँ पे ये ग्रीन कलर वाली चीज़ें मेरी नॉर्मल डेटा पॉइंट्स हैं और ये जो आपको रेड कलर का कर्व दिख रहा है ना, ये जो रेड कलर का कर्व दिख रहा है, दिस इज माई द रिग्रेशन लाइन. ये मेरा पॉलीनोमियल रिग्रेशन का लाइन है. ऑब्वियसली इट इज नॉट अ लाइन, इट्स अ कर्व, इट्स अ स्प्लाइन. ओके, सो ये थोड़ा सा आप देख रहे होगे कि थोड़ा सा टच करते हुए जा रहा है, ठीक है. सो अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं. व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग डिग्री बढ़ाते हैं, अभी 2 था, लेट्स चेक फॉर डिग्री 3 क्या होता है, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ 2 आई विल राइट 3. अब आप ऑब्वियसली नोटिस कर सकते हो कि एक और कॉलम बढ़ जाएगा बिकॉज दिस टाइम देर विल बी 1 मोर एडेड कॉलम, एक्स टू द पावर 3. ओके, सो देर विल बी एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 2 एंड एक्स टू द पावर 3. ओके, फिर से नीचे गए और ये सारे स्टेप्स को बेसिकली आपको रिपीट करना. मॉडल को फिर से ट्रेन किया, एक्स टेस्ट फिर से ट्रांसफॉर्म किया, वाई प्रेड फिर से कैलकुलेट किया. और एक बार यहाँ पे देख लो गाइस, हमारा 88 आ रहा था विथ पॉलीनोमियल डिग्री 2, अब हम 3 करके देखते हैं 88 के बदले क्या आता है. सो अभी भी उतना ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं आया. अगर हम ग्राफ को दोबारा प्लॉट करें तो देखते हैं क्या होता है, ग्राफ में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए. अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लेट्स ट्राई 5. सो ऑब्वियसली अब एक्स टू द पावर 5 तक जाएंगे हम लोग, तो शेप हो जाएगा 6 बिकॉज एक्स टू द पावर 0 से लेकर एक्स टू द पावर 5 तक जा रहे हो और सारे स्टेप्स को आप रिकैलकुलेट कर रहे हो.
सो यू कैन सी x टू द पावर 5 जाने से हम 89% पे चले गए और हमारा रूट मीन स्क्वायर एरर भी और कम हो गया. एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं. लेट्स ट्राई विथ 10 के साथ ट्राई कर रहे हैं और देखते हैं क्या हो रहा है. अब ये 11 आ जाएगा इसका शेप. फिर से ट्रेन कर रहे हैं, एक्स टेस्ट फिर से कैलकुलेट कर रहे हैं, y प्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं. एंड गाइस कुछ खास सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है. सो द होल आइडिया इज दिस कि आप जैसे जैसे मैं एक बार ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है. सो दिस इज द ग्राफ. सो यू कैन सी थोड़ा और ज़्यादा टच करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है. सो द आइडिया इज दिस गाइस कि जैसे जैसे आप डिग्री बढ़ाते जाते हो ना, तो ट्रेनिंग एरर बहुत रिड्यूस होने लगता है, लेकिन टेस्ट एरर में फिर प्रॉब्लम आने लगता है. सो बेसिकली कम डिग्री मतलब अंडर फिटिंग और बहुत ज़्यादा डिग्री मतलब ओवर फिटिंग. सो मैंने इस चीज़ को दिखाने के लिए क्या किया है, मैंने एक फंक्शन बनाया है पॉलीनोमियल रिग्रेशन बोल के. इसको आप अपना एक्स वाई और अपना डिग्री पास कर सकते हो. डिग्री आप जितना भी दोगे उतना पास हो जाएगा. सो या हाँ, सो ये फंक्शन बेसिकली वही काम कर रहा है जो हमने ऊपर किया. ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मार रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने पूरे के पूरे एक्स को, फिर एक्स टेस्ट से वाई प्रेड कैलकुलेट कर रहा है और फाइनली आर टू स्कोर निकाल रहा है फॉर बोथ ट्रेनिंग एज वेल एज टेस्ट डेटा, ठीक है. सो हम एक्स ट्रेन के ऊपर अपना ट्रेनिंग एरर निकाल रहे हैं और अपना एक्स टेस्ट के ऊपर हम अपना टेस्टिंग एरर निकाल रहे हैं. और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, विथ डिग्री दोनों को प्लॉट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जस्ट टू सी क्या हो रहा है. सो अगर मैं नीचे जा रहा हूँ और इस फंक्शन को मैंने रन कर दिया, ये मेरे को दो चीज़ें रिटर्न करेगा, ट्रेनिंग एरर एंड टेस्ट एरर, ठीक है. सो अगर मैं इसको एक्स वाई और डिग्री दूंगा तो ये मुझे दो चीज़ें देगा कि उस पर्टिकुलर डिग्री के लिए ट्रेनिंग एरर कितना है, टेस्ट एरर कितना है, ओके. और फिर मैंने नीचे गया और मैंने यहाँ पर एक लूप चलाया है जहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक से लेके 20 तक बार बार इस फंक्शन को कॉल किया है, पॉलीनोमियल रिग्रेशन को बार बार, ठीक है. हर बार मैं अपना एक्स पास कर रहा हूँ, अपना वाई पास कर रहा हूँ और डिग्री इज बेसिकली जो भी करेंट आइटरेशन है उस लूप का, ठीक है. सो हम क्या कर रहे हैं, हर बार एक आइटम को भेज रहे हैं, एक नंबर को भेज रहे हैं, उसके लिए ट्रेनिंग एरर टेस्ट एरर कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर जब सारी वैल्यूज आ जा रही हैं मैं उनको दो लिस्ट में स्टोर कर रहा हूँ, ट्रेन और टेस्ट में. सो दोनों का शेप 20 होगा, ठीक है, लेंथ 20 होगा. अब फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, उन दोनों को प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, उन दोनों को प्लॉट कर रहा हूँ और आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि किस डिग्री के लिए सबसे ऑप्टिमम यू नो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है कि वहाँ पे ट्रेनिंग एरर भी अच्छा आ रहा है और टेस्ट एरर भी अच्छा आ रहा है, ठीक है. और जैसे इस कोड को मैं रन कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग अ ग्राफ लाइक दिस जहाँ पे आपका ब्लू वाला पॉइंट इज ट्रेनिंग एरर एंड द ऑरेंज वाला पॉइंट इज टेस्ट एरर, ठीक. सी तो यू कैन सी कि दिस इज द स्वीट स्पॉट यहाँ पर, दिस पॉइंट विच इज अराउंड 7 आई गेस. 7 के पास हमारा सबसे कम, या ऐसे बोल सकते हो कि ट्रेनिंग एरर और टेस्ट एरर के बीच में बहुत कम डिफरेंस है और दोनों की वैल्यूज बहुत अच्छी आ रही है ऊपर की साइड, ठीक है. आप ये वाला एरिया कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर यू कैन सी ट्रेनिंग एरर और टेस्ट एरर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है विच क्लियरली शोज ओवर फिटिंग, ओके. सो आई गेस गाइस ये पूरा चीज़ समझ में आया. आपको एक काम करना होगा कि आप इसको एक बार इस नोटबुक को डाउनलोड करो और एक बार अपने मशीन पे इस पूरे कोड को ट्राई करो, ओके. आप इसके ऊपर क्रॉस वैलिडेशन भी लगा सकते हो सो दैट आपके पास हर बार अलग टाइप का वैल्यू आने के बदले एक एक्यूरेट वैल्यू आए, ओके. एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई स्केलिंग, मतलब मैंने स्केल नहीं किया वैल्यूज़ को, मैंने जैसा था वैसे ही छोड़ दिया, उससे भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा इन्हांस हो सकता है, ठीक है. सो ये कोड लो और इसके साथ थोड़ा सा यू नो प्ले विथ इट एंड थोड़ा परसेप्शन बिल्ड करो अबाउट पॉलीनोमियल रिग्रेशन, ओके. सो आई होप आई एम क्लियर विद द एंटायर वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़.